नमस्कार दिव्य सज्जनो, आज हम टूर्स एंड कुजिन्स में ड्राइव कर रहे हैं और हम जा रहे हैं कहीं देखने के लिए कि देखिए हमने कुजिन्स तो आपको बहुत दिखाए हैं और अभी हम जिस रास्ते पे हैं उस रास्ते पे भी हमने एक मिनी सिंगापुर दिखाया था जो चास हाईवे पे है जो बोकारो धनबाद हाईवे जाता है। और ये रास्ता सीधा कर देता हूँ, ये जो सीधा रास्ता है ये रास्ता जाता है राज्य की तरफ मेरी तरफ और इसी रास्ते पर था। देखिए गाड़ी ऐसे रैश ड्राइविंग कर रहे हैं लोग, कैसे बचे आप ऐसे रैश ड्राइविंग से आज हम टूर्स एंड कुजिन्स में वो भी बताएंगे कि हाईवे पे आप गाड़ी कैसे चलाएं, क्योंकि अगर आप गाड़ी हल्का सा भी आपका नजर हटा तो ऐसी जैसे मेरी गाड़ी पे अभी इस स्विफ्ट वाले ने गड़बड़ किया वो आपके साथ भी हो सकता है। बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। सबसे पहला ट्रैफिक रूल्स ये होता है कि हम सीट बेल्ट लगाएं, ड्राइवर एंड को पैसेंजर दोनों सीट बेल्ट लगाएं अगर दो लोग बैठे हैं। मेरा मानना पीछे बैठने वाले लोग भी सीट बेल्ट लगाएं क्योंकि आपके लिए भी सीट बेल्ट दिया रहता है, ये आपकी सुरक्षा है। जब भी आप गाड़ी चलाएं तो इस ट्रक के एकदम बिल्कुल साइड में ना चलाएं, ये मैंने आपको दिखाने के लिए इसको ओवरटेक किया बट आप उससे पीछे ही रहे और एक डिस्टेंस में पीछे रहे ताकि आपका एक्सीडेंट होने का चांसेस कम रहे, ठीक है। हाईवे पर गाड़ी ऐसी ही चलाई जाती है, स्लो में आराम से निकालें गाड़ी और गियर डाउन कर लें। जब आप गाड़ी हाईवे पर स्लो हैं तो गियर डाउन करें, 2 या 3 नंबर पर आ जाए और इससे आप गाड़ी बहुत स्मूथली चला पाएंगे, ठीक है। और जैसे आपको थोड़ा सा रास्ता मिले आप गियर अप करें आगे और अपने मोशंस ले लें। यह है हाईवे पे चलने का सही तरीका। तो अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे हम टूर्स में अब हम गाड़ी ड्राइव करना सिखाएंगे आपको हाईवे पे। साथ ही साथ हम उसी हाईवे पे कोई क्विजिन्स मिलेगा, कोई बढ़िया ढाबा मिलेगा तो आपको खाने का भी बेहतरीन चीज दिखाएंगे। और अब से हमारा ब्लॉग कार में ही आएगा ज्यादातर। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में।